हम लोग भागने जा रहे हैं। इसका मतलब तुम अपने स्टूपिड एक्सपेरिमेंट यहाँ करना चाहते हो? स्टूपिड एक्सपेरिमेंट नहीं है यार, ध्रुव आत्मा बुलाने में एक्सपर्ट है, पर प्लैंचेट रियली वर्क्स। जो भी है, मैं इन सब चीजों को बिलीव नहीं करता हूँ, और तुम अपनी जगह चेंज करो, उनको कॉल करके बोल दो। वो लोग जल्दी है, दो मिनट में यहाँ पर आने वाले हैं बस। अच्छी जगह आत्मा बुलाने के लिए। तुम्हें खाली चैटबॉट पसंद है? नॉनसेंस, मैं तुम्हारी कोई आत्मा आत्मा नहीं मानता। मानती तो मैं भी नहीं। चलो शुरू करो यार, मुझे जल्दी घर जाना है। Planchette kicked out the rules. एक तो यहाँ पे मजाक नहीं करेगा जिससे कि आने वाली आत्मा नाराज हो जाए। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को भरोसा नहीं है कि आत्माएं होती भी हैं या नहीं, या फिर ये Planchette काम करता भी है या नहीं। लेकिन करो, मैं इनको आत्मा कर चुका हूं। नंबर दो, मेरा एक दोस्त था विनय बंगाली, उसने मुझे ये Planchette करना सिखाया था। हमें से किसी को मीडियम बनना पड़ेगा। मीडियम वो जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा उस आत्मा का जिसको हमने बुलाना है। रूल नंबर थ्री, गाइस Planchette का यूज करके हम दो दुनियाओं के बीच का दरवाजा खोल देते हैं। कई बार आत्मा आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, इसलिए हमें उस आत्मा को रिस्पेक्टफुली वापस जाने के लिए बोलना। लेक्चर उनके और अपने जान के ठीक है सर, हमें सब समझ आ गया, चलो शुरू करते हैं। लेकिन जो अगर आत्मा वापस नहीं गई तो अगर आत्मा अच्छी हुई तो बिना कोई नुकसान पहुंचे वापस जा भी सकती है, और अगर बुरी आत्मा हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है। यार मेरी गलती है सर, मैं घर आने जा रही हूँ। अरे बैठ बैठ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अच्छी आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है। बैठ। ठीक है, तो फिर मीडियम बनना नहीं होगा। मैं बन जाता हूँ मीडियम। तो ये है तुम लोग अपना, तू बनेगा मीडियम, ये बनेगा बाबा, और हम दोनों कौन बेवकूफ। तो ठीक है, मीडियम तू बन जा। ठीक है, मैं बन जाऊँ तो ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सर, अब मैं एक मंत्र पढ़ूंगा। जब मैं वो मंत्र पढ़ूंगा तो अपनी आंखें बंद करके उस आत्मा पे कॉन्सेंट्रेट करना जिसको तुम यहाँ बुलाना चाहते हो। ठीक है, गांधी जी की आत्मा को बुलाते हैं, माइकल जैक्सन की आत्मा को बुलाते हैं। चुप करो, मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
10 मिनट में आ जाएगी। अच्छा है, आत्माओं को अंधेरा पसंद है। यार सिक्का हिल रहा है। क्या यहाँ कोई आत्मा है? आने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम ध्रुव है, आपका नाम क्या है? क्या आप अपना नाम बताना नहीं चाहते? मैं प्रियंका को प्रपोज करने वाला हूँ, क्या वो हाँ बोलेगी? श्रेया हाँ बोलेगी? नेहा, क्या क्या इस साल मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? आत्मा जी, क्या मैं इस साल पास हो जाऊंगी? तू कुछ बैठा है, तू भी कुछ पूछ ले। मैं कुछ इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि ये सिक्का मैं ही ला रहा हूं। वैसे एक लाइट भी आ गई। पागल है क्या? मैं तेरे को बोला था ना मजाक मत समझना। यार मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं बस तुम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बकवास है और भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसको कहते हैं आईडियो मोटर रिफ्लेक्स। आईडियो मतलब आइडिया, मोटर यानी एक्शन। जब दिमाग में कोई आइडिया आता है ना तो हाथ अपने आप घूमने लगते हैं, इसको तुम आत्मा समझते हो। इसको बोला था ना आत्मा पे कॉन्सेंट्रेट कर, तू सोच क्या रहा था? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तूने अच्छा नहीं किया। चलो चलो यार, इसको समझ में नहीं आने वाली। मेरी बात मानेगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आजाद में तेरे साथ रुक जाता हूँ। नहीं भाई, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं आपकी आत्मा निपट लूंगा। अरे नहीं यार, मैं सिक्योरिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ, दोस्ती के नाते मैं रुक जाता हूँ। देख भरत, अगर ये कह रहा कुछ तेरे भले के लिए कह रहा होगा, रुकने दे यार प्लीज, हम लोग चलते हैं, हमें देर हो रही है।
भारत क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भारत तुझसे पूछ रहा हूँ, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे सामान क्यों पैक कर रहे हैं? भारत तुझसे पूछ रहा हूँ भाई, तू रो रहा है? क्या हुआ क्या? तेरे को बोला था ना आत्मा पे कॉन्सेंट्रेट कर, तू सोच क्या रहा था? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में।